सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज जो है गाइस, निकल रहा हूँ, बाइक को थोड़ा और मॉडिफाई करना है। और अपनी बाइक के अंदर मैं आपको बता दूँ, दोनों रिम पेंट होंगी। आगे वाली मड गार्ड जो है उसको पेंट कराएंगे अपन, क्योंकि रिम इसकी जो है वह है ब्लू, तो अपने को करानी है ब्लैक। सुनगा मैं कई सारे पार्ट्स इसके ऐसे हैं जो मुझे ब्लैक कराने हैं, तो उनको लेके चलते हैं अपन आबिद भाई के पास। कॉल तो मैंने कल भी किया था आबिद भाई को, लेकिन उन्होंने बोला था कि आप कल आओ, आज थोड़ा टाइम नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कल आ जाते हैं। तो मैं आज उनके पास जा रहा हूँ। चलिए फिर, लेट्स गो। फौजी भी फुल ऑन फायर निकल के गया है मेरे पास से यार। पापा की परी है भाई, पापा की परी है। हाँ, अमित के पास। तो इसमें भी थोड़ा काम करवाना है। रिसेंटली ये बाइक फौजी ने परचेज की है, BMW RR 310। अगर आज हम वहाँ से जल्दी फ्री हो गए तो इसका भी एक व्लॉग बना लूँगा, कैसी क्या परफॉर्मेंस है, कैसी क्या नहीं है। अभी का सीन ये है कि फौजी 1 से 1.5 महीने तक यहीं पे रहेंगे और तब आगे कंटेंट शूट करेंगे हम लोग। अभी तो भीड़ तो आई नहीं है भाई, बाकी देखते हैं क्या सीन रहता है। रिम्स जो है अपनी दोनों खुल गई हैं, बाकी ये बैक व्हील हो गया। ये अपना फ्रंट व्हील है, अभी ये भी नहीं और भी एक्सेसरीज इसमें सब खोलेंगे भैया। ये रहा अपनी बाइक का सुंदर, ये सिल्वर कलर है और इसको करेंगे अभी ब्लैक। काम था जो अपना हो चुका है, और अब दिखाता हूँ मैं इसको आपको कहीं बाहर ले जाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शियाल बेटी किस्मत। सो फाइनली गाइस, अपनी बाइक का काम जो है कंप्लीट हो गया है, और कल जो है मैं इसका पूरा व्लॉग बना नहीं पाया था क्योंकि मुझे वहाँ पर काफ़ी रात हो गई थी। तो अभी का सीन ये है कि मैं हूँ अभी अपने गांव के जंगल के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा एकदम खाली खाली है, क्योंकि ग्रीनरी अभी है नहीं। अभी चल रहा है मई, 1-1.5 महीने के अंदर 1-2 बारिशें होंगी ना, तब ग्रीनरी आएगी जंगल के अंदर। तो अभी मैं आपको बाइक को दिखा देता हूँ इसके अंदर अपन ने क्या क्या काम कराया है। एक तो अपन ने इसकी जो फ्रंट व्हील है ना, इसको पूरा ब्लैक करा दिया, क्योंकि पहले ये जो था ब्लू था, इसका व्हील कवर अपन ने निकलवा दिया है। और ये जो है ना सोकर की कैप, ये वाले भी अपन ने इसके ब्लैक करवाए हैं, क्योंकि ये जो थे ये थे सिल्वर। तीसरा इसके अंदर करवाया अपन ने मडगार्ड भी इसका सिल्वर था, इसको भी ब्लैक करा दिया। और चौथा काम मैंने इसमें ये कराया है, क्योंकि इसके अंदर लगी हुई थी पहले V3 की डिस्क प्लेट, जो ये लगा रखी थी ना अपने 100 पीस के लिए, डमी पीस जो लगा रखा था, ये वाला मैंने इसके अंदर चेंज कराया है। ये वाला कैप भी इसका ब्लैक हो गया है। अब बात करते हैं बैक प्रोफाइल की। तो बैक से मैंने इसका ये पूरा सिंगाम आप देख रहे हो ना, ये भी सिल्वर कलर का था, इसको भी अपन ने ब्लैक करा दिया। और पीछे वाला जो व्हील है इसको भी मैंने ब्लैक करा दिया था। तो ये अपन ने काम इसके अंदर कराया है, और आप इसकी लुक देख सकते हो, कुछ इस तरह की लुक अब निखर कर गाड़ी की आ रही है। अभी थोड़ी सी आपको अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि रिम के ऊपर जो है वो स्टिकर वगैरह नहीं है। अभी मैं 1-2 दिन के अंदर उसके अंदर स्टिकर वगैरह करवाऊंगा, तब ये और बेहतर लगेगी। थोड़ा बहुत काम इसके अंदर बच गया है,
जो काम मैं 2-4 दिन के अंदर इसमें करवाने वाला हूँ, जैसे कि सामने मड गार्ड के ऊपर स्टिकर वर्क होगा, रिम्स के ऊपर स्टिकर वर्क होगा और पीछे भी कुछ और थोड़ा बहुत मैं इसमें काम करवाऊँगा, तब लगेगी एक नंबर जहर। व्हील कवर शायद हो सकता है मैं पीछे वाले व्हील में डालने लग जाऊँ, वो मैकेनिक के पास ही पड़ा हुआ है, मैकेनिक ने बोला था अभी व्हील कवर मत डाल क्योंकि पैंट जो है डैमेज होने के चांसेस होते हैं उससे नए पैंट पे। और लेफ़्ट प्रोफाइल मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ, लेफ़्ट प्रोफाइल कुछ इस तरह के ये बाइक की। बात करें इसके खर्चे की तो गाइस मैं आपको बता दूं, इतना काम कराने के अंदर आपको पेंट पेंट का खर्चा आने वाला है 1500 से 2000 रुपए का। आई होप कि ये वाला व्लॉग आपके लिए जानकारी पूर्वक रहा होगा गाइस। अगर आपको ये वाला व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए राइड सेफ एंड लाइफ सेफ, बाय।